जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और ये खास करके 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए। और देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रश्नवाली का मात्र एक क्वेश्चन है और इसमें कुल 6 ग्राफ है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है ना। और कोई भी ग्राफ जो होता है उसमें दो अक्ष होती है, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष होता है। तो यहाँ पर वाई अक्ष का शून्य की संख्या ज्ञात नहीं करने बोला है, एक्स अक्ष का करने बोला है। मतलब कि अगर कोई अदर लाइन इसको जितनी बार क्या करेगी, काटेगी या फिर टच करेगी, उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, इसमें इस ग्राफ में यहाँ पर एक्स अक्ष पर आधा लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार भी नहीं कट कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर वाई अक्ष पर कट किया, ये नहीं देखना है, सिर्फ एक्स अक्ष पर देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर क्या होगी, देखिए इस x अक्ष पर अदर लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक बार होगी। इसमें यहाँ देखिए, इसमें जो है x अक्ष पर जो है वो अदर लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, तीन बार होगी। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो पहला में देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है अदर लाइन, एक बार भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा शून्य की संख्या क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। इस एक्स अक्ष पर जो है अदर लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो मैंने यहाँ पर लिखा शून्य की संख्या 1। इसमें देखिए, इसमें जो है अदर लाइन जो है इस एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रही है, तीन बार कट कर रही है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, है ना। आइए हम नीचे वाला ग्राफ में देखते हैं। चौथा में देखिए, इस एक्स अक्ष को जो है आधा लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितनी बार कट कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ पर देखिए, एक बार क्या किया, कट किया, और एक बार यहाँ टच किया, यहाँ पर टच किया। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब कि कट करे या फिर टच करे तो शून्यों की संख्या में ही उसे गिना जाता है ना। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर चार में देखिए यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि देखिए अदर लाइन यहाँ पर कितनी बार कट की है, एक बार, दो बार, और इसमें कितना होगा, 1, 2, 3, 4। मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है शून्यों की संख्या 4। और छठा में देखिए, एक बार कट किया और दो बार क्या किया, टच किया, तो क्या हुआ, शून्यों की संख्या 3। मैंने यहाँ पर 3 लिखा। आप क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने बताया जो क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ आप नहीं छापना, डायरेक्ट यहाँ पर लिखना कि शून्य की संख्या कितनी है, फलना फलना, बस इतना ही लिखना है। यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने वीडियो में जो भी कुछ जानकारी दी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।